नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर में। और आज हम जानेंगे लीवर के रोग, पाइल्स, खांसी, त्वचा रोग और मूत्र रोग जैसी अनेक समस्याओं में फायदेमंद औषधि शरपुंखा के बारे में। शरपुंखा के औषधीय गुण एवं विशेष उपयोग। इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है। शरपुंखा का पौधा हिमालय में 2000 मीटर की ऊँचाई तक पाया जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है और ये स्वाद में कड़वा तथा कसैला होता है। आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसकी जड़ एवं पंचांग का उपयोग किया जाता है। शरपुंखा की एक और प्रजाति पाई जाती है जिसके फूल सफ़ेद होते हैं, लेकिन इनके औषधीय गुण लगभग समान ही होते हैं। इसके फायदों और उपयोगों की बात की जाए तो लीवर के रोग और पलिया वृद्धि में 2 ग्राम शरपुंखा की जड़ के चूर्ण के साथ 2 ग्राम हरितकी के चूर्ण का सेवन किया जाता है सुबह शाम। निरंतर इसका सेवन करने से लीवर के रोग और पलिया वृद्धि में तो फायदा मिलता ही है, इसके साथ साथ यह रक्त को भी शुद्ध करता है। शरपुंखा के क्षार का उपयोग भी चिकित्सा में किया जाता है। क्षार बनाने के लिए शरपुंखा के पंचांग को अच्छे से धोकर सुखा लें और फिर जला दें। जलाने के बाद जो राख बचे उसमें पानी मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ दें। फिर इसे किसी साफ सूती कपड़े की मदद से 3 बार छान लें। फिर जो छना हुआ पानी है उसे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से पकाएं। पानी उड़ जाने के बाद जो अंत में पाउडर बचेगा उसी को क्षार कहते हैं। गुलम रोग में शरपुंखा के पंचांग के क्षार का सेवन किया जाता है। 2 ग्राम यानी लगभग आधी टीस्पून की मात्रा में 4 ग्राम हरितकी के चूर्ण के साथ दिन में 1 बार। इंडाइजेशन, पेट दर्द, पेट में कीड़े, लीवर के रोग, डायरिया, मूत्र रोग, बुखार और पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा दर्द की स्थिति में शरपुंखा के पंचांग के क्षार का सेवन किया जाता है 1 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार। या फिर इसकी जगह शरपुंखा की जड़ के चूर्ण का सेवन भी किया जा सकता है आधी टीस्पून की मात्रा में सुबह शाम। पाइल्स की समस्या में ताजी छाछ के साथ शरपुंखा की जड़ के चूर्ण का सेवन किया जाता है आधी टीस्पून की मात्रा में सुबह शाम। और फेफड़ों के रोगों में इसके ताजे पत्तों के सोरस का सेवन किया जाता है 10 ml की मात्रा में दिन में 2 बार। भारी रूप से भी शरपुंखा का इस्तेमाल किया जाता है। त्वचा रोग जैसे खुजली में इसके बीजों का लेप या इसके बीजों से प्राप्त तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और सूजन, त्वचा रोग, गोइटर तथा हाथी पांव की स्थिति में शरपुंखा की जड़ का लेप लगाया जाता है। दांतों के रोगों में शरपुंखा की दातून करना लाभकारी होता है तथा इसकी जड़ के बारीक चूर्ण से मंजन करने से भी समस्या में फायदा मिलता है। अगर आपके आसपास शरपुंखा का पौधा है तो अच्छा है, वरना ये पंसारी की दुकान पर मिल जाता है। आप वहां से खरीद कर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा शरपुंखा का पंचांग ऑनलाइन भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही सेहत और आयुर्वेद से जुड़ी जानकारी जानने के लिए फिट वर्ल्ड हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।